रॉकेट लर्निंग के जिला समन्वयक ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया। दरअसल रॉकेट लर्निंग संस्था के जिला समन्वयक ने ब्लॉक जलीलपुर के डब्बाकरा हॉल में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत न्याय पंचायत दतियाना की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को केंद्र पर आने वाले प्री प्राइमरी बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए प्रशिक्षण देकर सिखाया गया। जिला कोऑर्डिनेटर रजत अरोड़ा ने बहुत ही सुंदर तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्री प्राइमरी स्कूली बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के 5 तरीके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रचनात्मक विकास, भाषा विकास तथा सामाजिक विकास बताए। उन्होंने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले प्री प्राइमरी बच्चे पढ़ाई की पहली पाठशाला में आते हैं। हमें उनके स्वभाव, उनकी मानसिक स्थिति एवं वे क्या चाहते हैं जानकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, ताकि बच्चे केंद्र पर खुशी से अपना समय व्यतीत कर सके और खेल खेल में ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रशिक्षण में क्षेत्र सुपरवाइजर विमला देवी तथा उर्मिला देवी उपस्थिति रही। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरिता रानी, प्रवेश देवी, शांति देवी, मंजू देवी, पूनम रानी, रमणलता, उषा रानी, रूमा रानी, सुनीता रानी, सीमा देवी, कौशल रानी, सुदेश देवी आदि उपस्थित रही। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? सर, मेरा नाम रजत अरोड़ा है और रॉकेट लर्निंग संस्था में मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज जैसे कि आपने देखा, हमने प्रशिक्षण दिया, पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने अपनी बहनों को समझाया। मुख्य 5 कौशल विकास के बारे में आज हमने चर्चा करी, जिसमें हमने बताया कि बच्चों के अंदर कौन कौन से कौशल के विकास होते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चों की बुनियादी स्तर की शिक्षा मजबूत हो सके और बच्चा जो जीवन में बनना चाहे वो बन पाए। ये प्रशिक्षण किनको दिया है आपने, कौन से विभाग से संबंधित है? ये हमारा ICDC विभाग से संबंधित है। ये जो हमारी आंगनवाड़ी बहन है, इन्हें हमें आज प्रशिक्षण दिया है, जिन्हें हमने 5 कौशल विकास के बारे में आज चर्चा करके हमने बताया।